श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी नूं हुकम दिल्ली आउंदे कांग्रेस नूं हुकम दिल्ली आउंदे आम आदमी पार्टी नूं हुकम दिल्ली आउंदे जे दिल्ली वाले नूं कोई चीज पसंद नहीं भावें पंजाबियों नूं पसंद है पर जो दिल्ली वाले कहणगे ओही पार्टी दे इत्थे लीडर करनगे थोड़े सामने है दिल्ली ने काले कानून बनाए पंजाब दे बीजेपी की लीडरशिप की हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने खिलाफ बोल लैन आ फर्क है जे पंजाबियों की लड़ाई लड़ी कौम की लड़ाई लड़ी पंथ की लड़ाई लड़ी गरीब की लड़ाई लड़ी तो कल्ली श्रोमणी अकाली दल है कल श्रोमणी अकाली दल बीएसपी का गठजोड़ बड़ा वधिया गठजोड़ है बीएसपी भी पंजाब की पार्टी है बीएसपी का जन्म बाबू कंशी राम जी ने किया हुशियारपुर के रहने वाले उन्होंने पहला इलेक्शन हुशियारपुर तो लड़िया अकाली दल बीएसपी की गठजोड़ नाल ते उदों आपां तूफान नाल पूरा पंजाब कब्जा कर लिया 11 सीटां आपां पार्लीमेंट दीआं जिते दोनों पार्टियां दी सोच इक है तो इस करके जिहड़ा मैं अज आया अकाली वर्करां नूं ते बीएसपी वर्करां नूं कहण वास्ते कि इह ना समझो कि आ तकड़ी चोन निशानी हाथी चोन निशान है चोन निशान इक्को ही है दिखदे अलग है इक्को ही है चावला साहब नूं मैं आप चुनिया समझ लो मेरा अपना नुमाइंदा है मैं इहनूं अपने आप जानदा है तो इस करके मैं सारे अकाली वर्करां नूं बेनती करना है देखो जे तुसीं अपनी सरकार बनाउणी है जे अजे गंदे शासन तो छुटकारा लेना है थोड़े मैनूं पता परचे भी होए है धक्के भी होए है सारा कुछ होए है जे इस जुलम तो छुटकारा लेना है ते दीनानगर विच हाथी दा बटन दबना पैना थोनू हुण जिहड़ियां दूजियां पार्टियां मैं आम आदमी पार्टी बारे गल करना चाहूंगा केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई की क्या सी केजरीवाल ने कि मसी एक नवी सोच लेके आए हैं टिकटा उन्होंने देवांगे कोई रिक्शा चलाने वाले कोई दुकान चलाने वाले कोई रेहड़ी चलाने वाले दित्तियां किनू 117 विचों 65 टिकटा दल बदलुआ नूं दित्तियां जिहड़े अकाली दल ने कढ़े है या कांग्रेस ने कढ़े है मिनटां च पैसे दे के टिकट लेके आए आ नवी सोच उन्हां दी है और रमन बहल नवी सोच उन्हां दी है तुसीं चारों तरफ देखो लुधियाने शहर के जिहड़े 6 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी दे सारे गैंगस्टर है सनौर हलके दा पीओ है प्रक्लेम डिफेंडर है जिहड़ा आम आदमी पार्टी दे कहिंदे कुछ केजरीवाल ते करदा कुछ है केजरीवाल ने 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दित्ती है कि पंजाब दी इस वेल नहर कटी जाए दिल्ली नूं पानी चाहिए ते जदों उन्हें कटती फिर की करोंगे जो उन्हें सरकार आ गई फिर तो आपां धरने देवांगे बार्डर ते जाके आई केजरीवाल ने कहा थोड़े थर्मल प्लांट बंद कर दिओ पंजाब दे क्योंकि धुआं दिल्ली आउंदा आ जिहड़े किसान पराली साड़दे इन्हां दे परचे दिओ आ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट लिख के दित्ता इहदा की लगा थोड़े नाल इहनूं पता है कि कण कदों बीजी दी है झोना कदों लाई दे केजरीवाल नूं पता कितें खेत तां गया ही नहीं ते कंधां ते लिखिआ केजरीवाल नूं मौका दिओ इहनूं की पता पंजाब दे लोक दीनानगर कित्थे है की समस्या इस इलाके दी की समस्या है पंजाब दी की आ लड़ाई लड़ूगा ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸੇ ਸਿੱਖ ਬਸੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਅਲੱਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਇੰਨਾ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਊਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦਿੱਲੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਧ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਗਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਘਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 13 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, 24,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ SC BC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ SC ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ BC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2-2, 3-3, 4-4 ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਸਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਐਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1-5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ 100 ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ, 50 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ 'ਚ
जिहड़े सरकारी स्कूल दे बच्चे है वह दसवीं दे बारहवीं दे बाद अगे पढ़ते नहीं, एक तो उन्हां कोल पैसा नहीं, एक नंबर नहीं। इस करके असीं फैसला कीता, असीं इकदम कानून बनावांगे जिन्ने भी कॉलेज प्राइवेट या सरकारी पंजाब च है 33% सीटां सरकारी स्कूल दे पढ़े हुए बच्चों वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां ते उन्हां दा सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। मैं अगले 5 साल च गरीब नूं डॉक्टर बना के दिखाऊं। बहुत बच्चे बच्चियां जिहड़े अपने अपना काम करना चाहते हैं पर उन्होंने कोले कोई बेचारा साधन नहीं। कोई लड़की अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहे, कोई सिलाई की दुकान खोलना चाहे, कोई नौजवान वर्कशॉप खोलना चाहता है, 1-2-3-4 लाख च काम चल पैंदा है बंदे का, पर हुण बेचारे कोले साधन नहीं। हुण चिंता करने की लोड़ नहीं। 5 लाख रुपये तक लोन असीं पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तो देवांगे जिहड़े बच्चे बच्चे अपना काम करना चाहते हैं। ओदा कोई ब्याज नहीं होगा, 3 साल तुसी कोई मोड़ना नहीं, 3 साल बाद 10 साल तुसी जाके मोड़ना है। जिहड़ियां मैं चीजां सोचियां कीतियां बड़ी सोच समझ के, जिस चीज की लोड़ है, जिस नाल अपने नौजवान अपने पैरों से खड़े हो सकन। बहुत मुलाजम है, तुसी जानते हो जिन्ने मुलाजम है सारे दे पे कमीशन सारे बादल साहब ने लागू किए, एक भी पे कमीशन ना कांग्रेस ने किया। एक्ति मौका सी कांग्रेस को पर नहीं किया उन्होंने। 2004 की बहुत मंग है कि पेंशन स्कीम जो 2004 के बाद मुलाजम पेंशन स्कीम लागू की जाए, असी आने सार लागू करांगे। जेडे कच्चे मुलाजम है एक्ति इन्होंने लारे ला ला के 5 साल डपाते, जिन्हें कच्चे मुबारमा पहली कैबिनेट मीटिंग जो पक्के किए जाएंगे। सो मैं इन्ना ही कहना चाहना है, देखो असी जो कहने हैं जबान दे पक्के क्यों है, क्योंकि असी रहना इत्थे है। साहब प्रकाश सिंह बादल ने मैनू एक गल कही है कि सुखबीर जिंदगी हुण प्रधान बन गया अकाली दल दा, ओनी जबान करी जिनी पूरी कर सके। जेड़ा लीडर अपना जबान दा पक्का नहीं, वह कितने जिंदगी कामयाब नहीं हो सकता, पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। असी जो 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 क्या पूरा किया, ट्यूबवैल बिल माफ किए, कोई सोच नहीं सकता सी कि माफ होंगे, हिंदुस्तान च किसी सूबे की सरकार ने नहीं किया। सो एक्ति आ भी कर लगे जेड़े कोले किसानां कोले कोई ट्यूबवैल कनेक्शन नहीं, पहले ही महीने 1 ट्यूबवैल कनेक्शन उन्हां नूं दिता जाऊगा। गुरदासपुर जिले च खंड मिलना होर लाने की लोड़ है, क्योंकि इतने गन्ने की बड़ी वड्डी फसल है। तो इस करके मैं आई बेनती करना है, सरकार जड़ी है और रेलवे गड्डी मंगू है, इंजन मुख्यमंत्री है, डब्बे मंत्री ते सरकार है, इंजन सही चुन लियो। जे इंजन गलत सुन लिया गड्डी नहीं चलनी। पिछले 5 साल तुसी कैप्टन इंजन चुन लिया, स्टार्ट ही नहीं होया, 5 साल खड़ा ही रहा। ते हुण आम आदमी पार्टी का इंजन और भगवंत मान है, वह दारू ना स्टार्ट हुंदा, हुण ऐ नहीं पता अगे ले जांदी जगह पिछे ना ले जाए सारे नूं। तुसी कल दसो किते तुसी अपने परिवार नूं शराब पीती हुई शराब डक्या शराब का ड्राइवर नूं अपने परिवार को बिठा के उन्होंने भेजोगे ड्राइवर के नाल? हुण तुसीं पंजाब की बागडोर एक शराबी नूं देना चाहते हैं। इस करके मैं ज्यादा समझ लैंदा, बेनती करदा चावला साहब तुसीं जो जबान कर दोगे इत्थे पहले ही 6 महीने च मैं पूरी कर दूं लिस्ट बना लिया, थोड़े इलाके च बहुत काम करने वाले। एक तो हर पिंड में जिथे पंचायती जमीन है उत्थे 5-5 मरले दिते जाएंगे गरीब नूं, जिथे पंचायती जमीन नहीं है उत्थे पंजाब सरकार खरीद के जमीन 5-5 मरले दिते जाएंगे। मेरी सरकार विच हर बंदे कोले अपनी जगह जरूर होनी चाहीदी है। जिहड़े पिंड है लाल डोरे दे अंदर जिवें जिवें घर है ओहदी मलकीयत थोनू दित्ती जाऊगी, रजिस्ट्री नाल ही हो जाऊगी थोड़े जिवें घर दे विच जिवें नक्शा बना के। थोड़े इंतकाल जो रजिस्ट्री कराया करोगे उसे ही टाइम इंतकाल नाल दे नाल होंगे। मेरी कोशिश होगी 1 साल के अंदर अंदर
आ जिहड़ी सांझे खाते है सारे ठीक करके हर बंदे को पता होए कि मेरी आ जमीन है या मेरी आ जायदाद है। इस करके अपनी पार्टी, अपनी पंजाब की पार्टी, कौम की पार्टी, पांधी पांधी पंजाबियों की पार्टी, कल्ली एक है अकाली दल, इनू कमजोर ना होन दियो। आ थोड़ी आवाज है, आ थोड़ी फौज है, अकाली दल तगड़ा है ते दुश्मन तकड़ी फौज तो डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह।